धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहिदीन सा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सत्संग जी, एज यूजल जुप्पी वाले बाबा जी कमाल दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसे साइंस के आविष्कार कर रहे हैं जो शायद आइंस्टीन की आत्मा भी ऊपर बैठ के रोने लगे। तो बहुत कुछ ऐसा करके दिखा रहे हैं, तो सब कुछ आपके सामने आ ही रहा है। और कुछ चीज़ें कितना भी डर लगने लगा, उन्हें बोलने लगे एम पैकअप, चिंटी थ्रेड नहीं ढूंढ रही, कहते चिंटी थ्रेड ढूंढ रही है। तो थ्रेड कौन ढूंढ रहा है? थ्रेड थोड़ी ढूंढा है। एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक इंडिया का नेता बाहर गया, और जब बाहर गया तो दूसरे नेता ने दिखाया जी वो देखो सामने हाईवे दिखाई दे रहा है। तो मतलब नेता बाहर गया, दूसरे नेता को पूछता है भी उसने कोठी बनाई थी नई बढ़िया सी, करीब करीब मान लो 1000 गज में कोठी बनाई थी। बोला कोठी बड़ी अच्छी बनाई है। कहता वो सामने वो देखा है हाईवे? कहता हाँ। कहता उसके टेंडर में 20% खाया, 6 लेन का हाईवे था, 4 लेन का बना दिया, कोठी बन गई। तो फिर थोड़ा टाइम बाद कहते विदेश का नेता इंडिया में आया, उन देखा अभी इसकी तो मेरे से भी बड़ी कोठी बन गई। तो अब जब कहता भाई तूने इतनी बड़ी कोठी कैसे बनाई? कहता वो सामने हाईवे दिखाई दे रहा है। बोला नहीं, कहता मैं 100% ही खा लिया मैंने तो। तो वो वाला काम है भाई, ये 20% खाया बंदा नहीं है, ये तो 100% ही फ्रॉड है। हम त्रेड थोड़े ढूंढ रहे हैं, सड़क ही नहीं है, ढूंढने की क्या ज़रूरत है? वो तो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जिस बंदे की औकात ही एग्जिस्ट नहीं करती है, उस बंदे को क्या ढूंढना है भी क्या इसमें सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है? वो जो बोलेगा गलत ही बोलेगा। तो ये भ्रम पाल रहा है, कहता चुपके चुपके देख रहे। हम कब चुपके चुपके दे? हम तो सरेआम देखते हैं। तुम चुपके चुपके देख रहे हो वहाँ पर और नाटक कर रहे हो भी जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे क्योंकि अब पिछले कई दिनों से लाइव नहीं हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो गए। हालांकि क्या है कि चुटकले हैं भी, क्या कुछ जो जी में आया मुंह में आया बोल देता है, पता तो होता नहीं है भी क्या सही है क्या गलत है। तो जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। एक तो कई चीज़ें आपको मतलब क्या है कि पॉइंट्स उठाएं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश करो कि किस दिशा में ये सारी चीज़ें जाती हैं। आप इसको इस तरह से समझो, मान लो समाज में कोई भी बंदा है, आप इसको नेगेटिव वे में समझ के देखो भाई, नेगेटिव सोच के चलो भाई, सामने वाला कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा, उस निगाह से सोचना शुरू करो। अगर किसी व्यक्ति ने समाज में आगे काबिज होना है तो वो क्या प्रोपेगेंडा चलाएगा? मान लो आपको उससे हमदर्दी कब आएगी? या तो कहेगा जी मैं इंसानियत के काम कर रहा हूँ, या फिर मान लो किसी अन्याय जिसके साथ हो रहा हो उसको न्याय दिला रहा हूँ, या कोई अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं मतलब जो मार्जिनलाइज्ड कह लो जैसे अति गरीब है या उनकी मदद कर रहा हूँ इस तरह से। और सबसे कॉमन टॉपिक है जी हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नशा कौन सा स्पेसिफिक नहीं करते, फिर भी एक ब्रॉड टर्म है चिट्टा। चिट्टा आम जनता के लिए ब्रॉड टर्म है, लेकिन इसकी बहुत सारी अगर टेक्निकली जाएं तो बहुत कुछ अलग अलग है इसमें। इसके अलावा जी हम तो नशा बंद करेंगे, नशा बंद करेंगे। नशा क्या है? एक समाज की दुखती रग है। आपके घर में बैठा बंदा कोई नशा करता है तो आपको लगता है भी हाँ रे नशा नहीं करना चाहिए। आपके पड़ोसी नशेड़ी हैं तो आपको लगता है भी यार पड़ोस में नशेड़ी नहीं होने चाहिए। तो नशा एक ऐसी दुखती रग है जो एक कॉमन एक्सेप्टेंस किसी भी सोशल वर्कर को या फिर तथाकथित सोशल वर्कर हो उसको एक्सेप्टेंस सोसाइटी में देता है। डिपेंड करता है नशा ख़त्म करने की घोषणा करना या नशा ख़त्म करने का कोई अटेम्प्ट भी लेना, प्रयास करना। एक तरफ ये यूपी वाला बोलता है अभी नशा ख़त्म करेंगे, एक सिनेरियो आपके सामने बिल्डअप किया गया है। कैसे बिल्डअप किया गया है? एक नशा छोड़ने का प्रोपेगेंडा है।
राम नाम से जोड़ना ये प्रोपेगंडा नहीं है। मतलब अगर मान लो हजूर पिताजी नाम देते थे तो इसका मतलब क्या है, भी नाम लो, नाम से जुड़ो, भक्ति करो और खुशियाँ पाओ, और आपके अंदर नाम जपने से आत्मविश्वास आएगा, और वो आत्मविश्वास आप खुद उस आत्मविश्वास के जरिए अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर सकेंगे। वरना आदतें ऐसी हैं जो जाते ही नहीं हैं। तो कुछ इसी तरह से समझो। अब यहाँ पे एक नया एजेंडा है। ये एजेंडा क्या है कि नशा छुड़वा रहे हैं, राम नाम से नहीं जोड़ रहे। मतलब इतने लोगों का नशा छुड़वाया, इतने लोगों का नशा छुड़वाया, राम नाम से जोड़ा नहीं जोड़ा, ये सब कुछ नहीं है। डेरे के अंदर एक प्रॉपर पिताजी की बनाई हुई एक स्कीम चलती थी, भी कोई नशेड़ी है, नशे से नहीं छोड़ पा रहा तो वो 7 दिन के लिए डेरे में आए, खाना फ्री, रहना फ्री, ज़रूरत पड़े तो दवा फ्री। और वहाँ 7 दिन सेवा सुमरण करने से पिताजी बोलते थे गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ये व्यक्ति एफर्ट नहीं करता है। ये क्या, कोई भी सोशल वर्कर जो अपने आप को बोलता है, उनका सबका एक कॉमन एजेंडा होता है। अचानक से पैराशूट से उतरा और एकदम से हाईलाइट हो जाए चीज़ें, तो ये इतना सिंपल नहीं है। जिस तरह ये यूपी वाला पैराशूट से उतरा, एकदम से हाईलाइट हो जाए, जबकि पहले कितनी बार एप्लीकेशन पे कितना विरोध हरियाणा सरकार ने किया। तो अचानक होने वाली घटनाओं को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। कुछ उसी तरह से इस एपिसोड को देखो आप। अचानक से जिन पिताजी की फ़ोटो तस्वीर भी बाहर नहीं आई 5 साल में, अचानक से उनका वीडियो सरेआम पब्लिश होने लगे, सरेआम इंटरेक्शन होने लगे। जिस चीज़, जिस एक इंटरेक्शन के लिए हाई कोर्ट के अंदर 5 पेशियों तक हरियाणा सरकार मना करती रही भी हम नहीं इंटरेक्शन करने देंगे, वही इंटरेक्शन जब हाई कोर्ट में डिनाई हो रही है, अभी नई जी दंगे भड़क जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अचानक से सारा कुछ इतना ओपन क्यों हो गया? इत्तेफाक नहीं होता साजिशों में, हर चीज़ दिखती है पर हमें दिखाई नहीं देती। इस पैरोल के दौरान हो क्या रहा है, एक एजेंडा बिल्डअप कर रहा, नशा छुड़वा रहा। ये नशा छुड़वा रहा किसका? पैसे देके लेबर चौक के ऊपर से, जो लेबर लगती है हर शहर में, वहाँ से बंदे पैसे देके दिहाड़ी पे ले जाए जाते हैं और उनको ही वहाँ जाके दिखाया जाता है। तो फिर नशा छोड़ने का अभियान तो कुछ चल ही नहीं रहा है। 3,000 लोगों को 2 लाख की भीड़, 3,000 लोगों की भीड़ को 2 लाख की भीड़ बना देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? सोशल मीडिया पर 10 लोगों ने पोस्ट डालनी है, 100 ने शेयर करनी है, हो गया एस्टैब्लिश। इससे ज़्यादा कौन सा किसको फ़र्क पड़ता है अभी आपके सत्संग में कितने लोग आए नहीं आए? सत्संग तो वो है ही नहीं, गप संग है। तो उसमें कितने लोग आए कितने नहीं आए सब अलग है। पैरेलल क्या एक नैरेटिव सेट हुआ है, आप ओवरऑल नहीं देखते हैं, जब ऊपर से चीज़ों को देखेंगे कि नैरेटिव सेट हुआ। नैरेटिव क्या है कि पंजाब में ट्रिगर चाहिए, पंजाब को आप देखिए, भी यूपी वाला क्लेम करता है भी पंजाब में छठा दरिया नशों का बह रहा है। तो भी हरियाणा दिल्ली यूपी में नहीं है, सिर्फ पंजाब में, सिरसा 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 शहर में ही इतना ज़्यादा नशा बढ़ गया है पिछले 5 साल में कि वो भारत के अंदर मतलब टॉप के शहरों में नशे के मामले में गिना जाता है। इतना गिना जाता है भी यहाँ पे नशा छुड़वाने के लिए जो बंदा किसी का नशा छुड़वाया उसको 5,000 रुपये सरकार इनाम तक देती थी। ऐसी भी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई भी सिरसा के अंदर कोई नशा छुड़वाएगा तो उसको 5,000 रुपये इनाम मिलेगा एक आदमी का नशा छुड़वाने पे। इस लेवल की स्कीमें सिरसा में चलानी पड़ी तो भी सिरसा में नशा बहुत ज़्यादा है, तो फिर पंजाब ही क्यों दिखाई देता है? एक नैरेटिव सेट हुआ है। नैरेटिव क्या सेट हुआ है? पहला नैरेटिव ये सेट हुआ है कि भाई पंजाब में दो पक्षों को लड़ना है, किस कौन लड़े पता नहीं। और उसमें कभी मंदिर का मसला, कभी चर्च का मसला, कभी ये अभी आज हाल ही में घटना हुई है, और कभी डेरे का। तो ये सारे मसले, बरगाड़ी मसले पे, बेअदबी मसले पे, सब मसलों पे भी दो पार्टियों को लड़ना है। तो एक पार्टी तो विकल्प ढूंढ रही है अभी किसके साथ लड़ा जाए, दूसरी पार्टी तैयार करनी है। अचानक से यूपी वाला बाहर आता है और इसका एक पूरा नैरेटिव सेट होना शुरू होता है। ये नैरेटिव सोसाइटी में कैसे सेट होता है कि भी एक बंदा है जो रेप के केस में और मर्डर के केस में जेल में बंद किया गया है, और वो बंदा बाहर आके ब्रह्मचार्य के ऊपर भाषण दे रहा है। मतलब तब जब कोर्ट, एक किसी कोर्ट ने साबित कर दिया है भी ये व्यक्ति खुद ही ब्रह्मचारी नहीं है, व्यभिचारी है, एक तरह से कोर्ट में साबित कर दिया, वो हम मानते हैं नहीं है, लेकिन पिताजी के भेष में एक नकली आदमी आया और वो आके ब्रह्मचार्य पे भाषण देने लगे, तब जब दुनिया उसे व्यभिचारी मानती है तब। तो ऐसे में क्या है कि सोसाइटी के अंदर एक
गुस्सा पैदा होता है एक व्यक्ति के प्रति, यार ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेशर्म है, मतलब ये इतना अनसोशल है, इसको होना ही नहीं चाहिए सामने किसी के। ये इस पैटर्न पे एक नैरेटिव सेट हुआ है, और ये नैरेटिव ऐसा नहीं है अभी हनीप्रीत या किसी एडम ब्लॉक की निगाह में नहीं है, उनको भी पता है भी इस नैरेटिव के सेट होने के बाद दोबारा यूपी वाले को बाहर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और संगति कह देगी भैया ना ही लेके आओ, और क्या है कि जो लोफर लोग हैं जिनको दिखाने को वो सत्संगी है लेकिन पीछे सारे काम करने की छूट चाहिए, वो लोग इसकी पूँछ पकड़ के चलना चाहते हैं भी चलो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्रैक्टिकली जिसको थोड़ा सा भी समाज की समझ है, सोशल लेवल पे थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल है, समाज की समझ है, वो कभी भी ऐसे इस तरह की आइडियोलॉजी में फंसेगा नहीं। अब रहेगी मूर्खों की फौज, वो फौज क्या उनको इधर देखना ना उधर देखना है, या तो कोई ढंग का काम कर रहे हो तो समझ में आता है, सिर्फ पैसा ही लूटना है और काम तो कुछ हो नहीं रहा है, घोषणाएं करनी है और कुछ नहीं हो रहा है। ये एक नैरेटिव सेट हो गया कि भी एक बंदा है जो रेप और मर्डर के केस में अंदर है, उसको बाहर एक डुप्लीकेट बना के उसका रख दिया, हालांकि दुनिया की निगाह में वो डुप्लीकेट प्रोजेक्ट नहीं है, तो असली की तरह है, और उसके बाद वो बिना बिना सिर पैर के ऊपर नीचे की बात करेगा। ये नैरेटिव सेट हो रहा है। पैरेलल क्या है कि बरगाड़ी मसले पे डेडलाइन दे दी गई गवर्नमेंट को पंजाब के खालिस्तान एक्टिविस्ट की तरफ से कि भैया 15 नवंबर तक आपके पास डेडलाइन है, 15 नवंबर के बाद हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम अपने प्लान पे काम करेंगे, अपने जो भी उनका लाइन ऑफ एक्शन होगा उस पे काम करेंगे। अपने आप में ही कुछ लोग जबरदस्ती के लीडर बन के सामने आ गए, मतलब क्या है कि एक पार्टी लड़ने को तैयार है दूसरी पार्टी, और वो मतलब पहली पार्टी जो आउटरेज मतलब गर ऐसे भड़काऊ भाषण या लड़ाई की तैयारी ये सब इस तरह की प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, सेकेंडली दूसरे एंड पे ये बेस बन रहा है भी मारें किसको, लड़ें किसके साथ, तो दूसरी तरफ से ये यूपी वाला वहाँ से बेस बना रहा है, क्योंकि ये कौन सा असली आदमी है, इसने तो अपना रोल प्ले करना है और गायब हो जाना है। उसके बाद इल्ज़ाम किस पे है, सारा इल्ज़ाम दोबारा हजूर पिताजी पे है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे भैया। नहीं, अब आपको लगे भी करना ज़रूरी क्यों होता है सरकारों के लिए, ये लड़ाई झगड़ा दंगा करवाना ये सब आपस में ज़रूरी क्यों है, आप ज़रा अपने ऊपर लेके सोचिए, आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप अपने ऊपर लेके सोचिए भी, जब मान लो जैसे डेरा ही है भी, डेरे के ऊपर नाजायज डेरे में जब ये 25 अगस्त वाला कांड हुआ तो कि हर ब्लॉक के बंगी दास को 15 मेंबर को जगह जगह हर पुलिस ने पकड़ा, सबको इंटेरोगेट किया, सबसे तसल्ली से पैसे बनाए, नहीं तो केस बना देंगे, धमकाया, बहुत बहुत लोगों से पैसे लिए, हमारे यहाँ तो 3-3, 4-4 लाख दे के भी छूटे हैं, तो मतलब हर तरह से कभी किसी ने किसी तरह से किसी ने किसी तरह से, तो 45 मेंबर रल गए पुलिस वालों के साथ, सब रल गए ऐसे मिलजुल के, कौन पैसा कहाँ से खा गया पता नहीं, पर पब्लिक को डरा के पैसा पूरा लिया गया, खासतौर पर लोकल लेवल के जिम्मेवारों को। धीरे धीरे करके जो समझदार थे वो पीछे हट गए, जो लोफर थे वो आगे आ गए, तो अब वो पैसा लूटने का प्लान है, चल ही रहा है। अब नरेटिव सेट है एक तरफ, ये सारा काम अब ये कर रहा है। दूसरा क्या है कि नाम चर्चा घर हैं जो स्थानीय साह संगत के नाम होते हैं, इन्होंने पैटर्न चलाया भी नाम चर्चा घरों को डेरे में कन्वर्ट कर लो, बहाने से आपके कागज़ हैं किसी ना किसी के नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो जो आपका थोड़ा नाम चर्चा पे आपकी संगत की जो प्रॉपर्टी का होल्ड है वो सारा होल्ड भी हनीप्रीत के हाथ में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आपकी संगत ब्लॉक लेवल पे जो डेरे की प्रॉपर्टी हो सकती है वो हनीप्रीत की जेब में चली जाएगी, तो आप उसमें चाके भी कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा दिख ही रहा है रिस्पॉन्स कितना गा रहा है यूपी वाले का, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, आपको लगे भी डेरे की संगत जाके लड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ही प्लेयर है जो दोनों टीम से खेल रहा है, इधर से भी वही लड़ेगा इधर से भी वही लड़ेगा, बाकी सब तो बैठ के दर्शक हैं, दर्शक कह लो या फिर मोहरे हैं, तो कुछ उसी तरह से ही इस प्लान पे काम चल रहा है। रहती सस्ती कसर है भी आपको इस एंड पे समझना है भी, अरे असली क्यों असली है, जो लोग चलो असली मान ही लेते हैं भी, असली क्यों असली है भी, आप इसको क्यों असली कहो, कोई एक बात हो, कोई एक सिंगल बात हो जो सिरे लगती है इसका, जिसका कोई लॉजिक बनता हो। हालांकि कल परसों इसने थोड़ा पूरी कोशिश करी कि इस चीज़ को करने की भी, सत्संग रट के आया पहला ऐसा कुछ, फिर आगे जाके फिर वही हरकतें, कितना रट लेगा। तो खैर कुछ चीज़ें आई भी सामने, अभी क्या है कि आज का जब देखना चाहिए भी, ये गुरुकुल खोलने पे बड़ा जोर दिया हुआ है भैया, गुरुकुल खोलो, ब्रह्मचार्य वाला गुरुकुल खोलो भाई, पहले गुरुकुल तो खोलेंगे, अब एक बंदा स्कूल खोलना चाहता है भैया टीचर तो ले आओ, स्कूल तो खोल लेंगे, टीचर ही नहीं होंगे तो स्कूल कहाँ से खोलेंगे भी, मैं गुरुकुल बनाने में बड़ा जोर दे रहा हूँ भी, करेगा क्या गुरुकुल में, कोई पढ़ाने वाला है ढंग का टीचर ऐसा
जिस टीचरों के बारे में तुम बता रहा है वो टीचर लेके भी तो आओ। ऐसा कौन सा टीचर है नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अकेला करा सकता है? वो टीचर है नहीं, स्कूल खोल के बैठ जाओ। मतलब क्या करना धरना कुछ है नहीं, बस स्कूलों के हर चीज़ पे नाम पे बाद में इसके चेले पीछे से पैसे मांगते रहेंगे। प्रैक्टिकल हो, ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम हो सकता हो फिर तो सुने इसको भी। क्या है कि जी गुरुकुल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए बताओ। फिर अब क्या है, अब यूट्यूब पर लोग इसको गालियाँ देने लगे हैं, सुनना नहीं चाहते इसको। क्यों 5 मिनट से ज़्यादा इसको सुन नहीं सकते, नींद आने लगती है। तो अब इसको सफाई देनी थी भी, मेरे को लोग कम क्यों सुन रहे हैं? मतलब करीब करीब 17 से 18 हज़ार बंदा लाइव पे कम होने लगा है, जो पहले 17-18 हज़ार ज़्यादा होता था। वो भी तब जब IT विंग वाले घर घर जाके ज़बरदस्ती के फ़ोन ऑन करके छुड़वा देते हैं कि भैया सुनो ना सुनो, इसको यूट्यूब को लाइव चला लो ताकि व्यू काउंट बढ़े हमारा। तो जब तब इस कैपेसिटी में है, और उसके बाद अब कहने लगा नहीं जी इंस्टाग्राम पे लोग तो 2-3 मिनट का वीडियो देख के खुश हैं, यूट्यूब का लंबा चौड़ा वीडियो कोई नहीं देखता। इसके अलावा ये पता नहीं कौन से गुरुकुल के वेद ग्रंथ पढ़ के आया है, और ये वेद ग्रंथ कौन से कहाँ लिखे जाते हैं इसके वाले वेद ग्रंथ समझ में नहीं आता। और क्योंकि थोड़े बहुत हमने भी पढ़े हैं, अब इसने क्या क्या है कि किसी को फ्रेश होना सिखा रहा है? मतलब सत्संग में कोई हालत है, सत्संग क्या है अभी? सच सच मतलब ईश्वर, ईश्वर से संग करना। अब ईश्वर का संग करना में डकार मारना सिखाना, फ्रेश होना सिखाना, इसमें कौन सा ईश्वर का संग हो रहा है? अभी हवा का रुख देख के फ्रेश हुआ करो, डकार कैसे डकार मार के दिखा रहा है, अभी ये कौन सा सत्संग हो रहा है? क्या है मतलब बेशर्मी है, सुनने वाले बेशर्म है, करने वाला तो बेशर्म आदमी है ही। उसके बाद ये अजीब सा अभी एस्केलेटर हो गया जी बीच में, एस्केलेटर क्या करना है जी? एक और अजीब चीज़ आज सुनी, हालांकि थोड़ी बहुत सुनी मैंने, बोला जी जनवरी फरवरी के महीने ऐसे उंगली पे याद है, छोटे बच्चों को याद कराया जाता है, कोई बड़ा पैटर्न नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी इसको ये पता नहीं कौन सा, मैं वही कहूँ अभी आइंस्टीन की आत्मा भी रोने लगी ऊपर बैठ के, भी कहाँ से साइंटिस्ट निकल के आया है या कौन सा है। जो गुरुकुल के टाइम पे भी बच्चे ऐसे याद करते थे भैया ये अंग्रेजी महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये अंग्रेजी महीने जो 200-300 साल पहले ही बने हैं, ज़्यादा ज़्यादा 500 साल पहले बने होंगे अंग्रेजी महीने। पुराने समय में 30-31 दिन का महीना नहीं होता था। अगर जिस साहब जिस लेवल की ये बात करता है, उस टाइम महीने ऐसे नहीं काउंट होते थे, उस टाइम महीने अमावस और पूर्णमासी के हिसाब से अष्टमी नवमी ये सब चीज़ें, आपने कहा ये माघ का महीना, जेठ का महीना, ये कार्तिक महीना चल रहा है, जैसे जेठ का महीना आ गया, सावन भादो, इस तरह की अलग अलग जो महीने थे ये इस तरह से चलते थे, और संक्रांत के ऊपर नया त्यौहार साल बनता था, इस तरह था। लेकिन ये क्या अभी जनवरी फरवरी पता नहीं कौन से गुरुकुल में आया। फिर इसने बोला जी गुरुकुल में शनिवार के दिन एंटरटेनमेंट होता था। अब इसको ये नहीं बेवकूफ़ को पता अभी उस टाइम कोई संडे थोड़ी होते थे, भी आज संडे है, भी आज छुट्टी होगी 6 दिन के बाद। उस टाइम दिन ये संडे मंडे सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्र शनि इतवार, ये भी अभी आए हैं, ये भी अंग्रेजों ने ही बनाए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी सैटरडे संडे है, उस समय कौन सा संडे मंडे होता था? अभी 7 दिन बाद शनिवार के दिन। मतलब क्या है कि बोल रहे हैं जो मुँह आए गंद बक दो, क्या फ़र्क पड़ता है भी? कौन सा सुनने वाले कौन सा सुन रहे हैं? उनको भी ताड़ियाँ मारने के वहाँ पैसे दिए गए होंगे, ताड़ियाँ मार दिया करो थोड़ी बहुत हवा हवाई करने के लिए, दो दो लड्डू खिला देंगे, पूरा चिल्लाना जोर लगाना सुनना। तो अगर सुन इतने ही सुनने वाले होते तो हजूर पिताजी की कभी मानी ना होती सुन के, मैं सुनना तो है ही नहीं। और अभी आके बोलता है जी बहुत सारा वेदों का ज्ञान दूंगा, तो पता नहीं कितना भर जाएगा अभी। वेद एक लाइन जो उसने वेदों में बोली है वेद में लिखी दिखा दे, और इसको ये पता हो भी ये लिखी कहाँ पे है, कौन से वेद के कौन से पेज पे लिखी है, जो ये क्लेम करता है वेदों का ज्ञाता बन के। तो उसके बाद क्या जी मोटापा है जी, कोई बंदा कितना मर्जी खाए जाए मोटा नहीं होता, कोई बंदा कम खाए वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, ऐसा भी इसने बोला। लेकिन आप ग्राउंड पे क्या देखेंगे, क्या कि ऐसा नहीं होता भी बंदा ज़्यादा ऐसा खाए जाए उससे असर नहीं होता। जिनको ज़्यादा खाने के बाद भी मोटापा नहीं आता, उन वो एक खास तरह की बीमारी का शिकार होते हैं, और ये बीमारी जन्मजात होती है, मतलब एक जीन में डिफेक्ट होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, और ये बीमारी जन्मजात होती है। ऐसा नहीं है भी ये बाद में आके जीन डिफेक्टिव हो जाता है, और ऐसे उसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, कनेक्टिव टिश्यू एक होता है बॉडी के अंदर, उसका उसकी बीमारी होती है जीन डिफेक्ट की वजह से। उसमें जो व्यक्ति ऐसे लोग जो होते हैं जितना मर्जी खा लें लेकिन उनके शरीर को लगता नहीं है उतना,
उनमें बहुत सारी ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएंगे भी, जो फीचर्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से उसको अलग बनाते हैं, और वो सारे फीचर्स इसमें भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, वो इसमें भी मौजूद हैं सारे फीचर्स। पर क्या है कि अब क्योंकि ये बेचारा मोटा हो ही नहीं सकता, ज़बरदस्ती खिला खिला के थोड़ा बहुत करके लाए हैं, पर वो बात बन नहीं पा रही इससे। तो बाकी फिर छाती पे कपड़े पहना के, अंदर पैड पुड बांध के, ऊपर कुर्ता पहनवाते हैं ताकि चेस्ट जो शोल्डर शोल्डर बने लगे तरीके से। पर एक्चुअल में पुरानी वीडियो देखो 2 महीने पहले की, कागजी पहलवान है आप कह देते ना गुरदात जैसे, मी कुछ नहीं है शरीर के अंदर, वो वाला हाल है इसका। पर क्या है कि जी चल रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ें थी, इच्छा मृत्यु वाली कहानी सुनाई जी, भी इच्छा मृत्यु के ऊपर जी कोबरे का टेस्ट कर लिया है, सब कुछ लिया भी, अगर दो कोबरे का जहर आ सकता है तो इसको ना किसी ने ढंग से, साइंस की बातें क्या है इंटरनेट से पढ़ तो लेता है, अंग्रेजी में इसका हाथ वैसे ही तंग है और समझ इसके आती नहीं, बोल ये बैठता है। तो क्या है कि जो कोबरा वाली कहानी ये सुनाता है वो ऐसा नहीं है, कोबरा वाली कहानी जो ये सुनाता है एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये दिख ऐसे एक सरकमस्टांस पैदा किए जाते हैं रिसर्च में, एक हालात ऐसे पैदा कर दो। मान लीजिए आप 10 लोगों, जैसे एक फिल्मों में भी दिखाया कई बार, 10 लोग बिठा रखे हैं, पीछे से सबको एक एक करके गोली मारी जा रही है। मान लो 6 लोगों को मारी, सातवें को मारी नहीं, लेकिन सातवें को साइड से गोली निकाल दी, पर उसको ये है कि मेरे गोली लगेगी, और ब्रेन जो रिएक्शन देता है एप्रिहेंशन में ऐसी चीज़ों पे, जो रिएक्शन देता है भी आपको पता हो ये लगेगा, वही रिएक्शन नोटिस किया गया उसमें भी। ये मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, मान लो किसी बंदे के सांप डस रहा है, आप 10 लोग में से 5 के डसा, सब वो देख रहा है, बाकी सारे लोग मिलके देख रहे हैं, इसके डसा ये मर गया, इसके डसा ये मर गया। ऐसे ही जब मान लो 5 मर गए, छठे पे जब वो डसा नहीं है, आपने वैसे ही 2 पिंड चुबो दो तो वो भी मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ब्रेन जो रिस्पॉन्स देता है जहर आने, शरीर में जहर आने के बाद, वो रिस्पॉन्स उसने प्रज्यूम कर लिया और वो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। और ये इससे ये नहीं था कि एक्सपेरिमेंट ये दिखाया गया कि उसने जहर जनरेट कर लिया, इसमें ये दिखाया गया कि जिस तरह का अब मतलब आप मानसिक संतुलन बना लेते हो भी ऐसा होगा, उस तरह का ब्रेन, उस तरह से ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, ब्रेन जहर नहीं बनाता। अभी ब्रेन जहर, इसमें क्या यूपी वाले की नवीन थ्योरी है, ब्रेन जहर बना रहा तो हवा में क्यों नहीं उड़ सकता आदमी? तो खैर कोई सिर पैर तो किसी चीज़ का है नहीं, कोई टाइम मशीन की फिल्में देख रहा है ये बैठ के, ठीक है, बंदर से शरीर कैसे रिपेयर करना ये बंदर से सिखा रहा है ऐसे, मतलब कोई एक चीज़ तो, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और थी, कह रहा है जी नाम जपने वालों में अदृश्य तिरंगे हैं, वो निकलती हैं फिर वो ब्रह्मांड में जाती हैं, साइंटिस्टों ने उनको ब्रह्मांड में ट्रेस किया, फिर वो ब्रह्मांड से वापस आती दिखाई दी, फिर वो शरीर में घुस गई। और अभी एक तरफ बोल रहा है जी अदृश्य है, फिर वो साइंटिस्टों ने देखी, साइंटिस्टों ने ट्रेस भी कर ली, वो वापस आती भी उन्होंने ट्रेस कर ली, फिर भी वो अदृश्य ही थी। मतलब क्या है कि यार ठीक है अभी तुम मान लिया मूर्ख हो, पर इतने भी ना बनो भी, लोग इतने गधे थोड़ी हैं। हाँ बाकी तुम्हें लगता हो कि हाँ ये 500-700 बंदे गधे हैं, वो तो ठीक है, अब जो 15-17 हज़ार कम हो गए देखने, वो इसीलिए कम हो गए ना कि यार भी गधे थोड़ी हैं हम जो इस तरह की बकवास सुनेंगे, पर अगले की तो बकवास ख़त्म ही नहीं होती, वो एक के बाद एक ऐसी ऐसी कहानियाँ घड़ घड़ के सुनाता है, उसे खुद नहीं पता होता इसका मतलब क्या है। और तो करने को तो देखो बहुत सारी बातें, पर आपको जो जो चीज़ें हमारे कंसर्न की, ये तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं छोटे छोटे इश्यूज़ भी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहे भी, कोई लॉजिक साइंस कुछ ये कुछ नहीं है, आपको लगे भी यार अजीब सी हरकतें हैं वो सारी अजीब ही हैं, कोई आप कुछ नहीं है मतलब ऐसा। अब मोटे तौर पे आपको समझना क्या है, एक नरेटिव सेट कर रहा है ये, इस व्यक्ति के जरिए एक नरेटिव सेट हो रहा है, वो नरेटिव ये है भी डेरे का जो बुक ही है वो एक मतलब इसी नैरेटिव सेट, मतलब पिताजी को लेकर नैरेटिव सेट हो रहा है भी, डेरा प्रमुख जो है वो बहुत बेशरम किस्म का व्यक्ति है, जो अपराध उसने किए मतलब कोर्ट के हिसाब से साबित हुए, उसी अपराध को ना करने की प्रेरणा वो सत्संग में बैठ के दे रहा है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो समाज में दोषी करार दिया गया हो, उस व्यक्ति के साथ कोई नया व्यक्ति क्यों कोई जोड़े, क्यों अगर आपको ऐसा लगेगा भी आपकी गली में या आपके इलाके में या आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रहने आ जाए जिस व्यक्ति ने हत्याएं की हों,
बलात्कार की हो, तो आपको लगेगा मेरे घर में मेरी बहन बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, अभी ऐसा बंदा मेरे पड़ोस में आ गया। तो वही पैटर्न से दुनिया देख रही है। इसलिए पहले क्या फोकस तो इस बात पर रहना चाहिए कि आप इस कलंक को हटवाओ, और जिससे क्या है कि समाज में जो इनसिक्योरिटी आ रही है आपको देख के, मतलब पिताजी को लेके, वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो। ये लाइन ऑफ एक्शन कॉमन सी बात है, भी होना चाहिए। और तब जब आपके पास सारे सबूत हैं, भी तब, ऐसा नहीं कि सबूत नहीं है, लेकिन क्या है कि इंटेंशन तो किसी की है ही नहीं। अब इंटेंशन तब हो जब ये बंदा असली हो, और बंदा असली हो तो ये साइन कर सके, भाई कुछ कर नहीं सकता ना, ये कोर्ट में जा सकता। तो प्रॉब्लम ये है, ये तो भी मिलता भी क्या है कि पहले 10 बंदों की लिस्ट बनती है, उन 10 बंदों का बैकग्राउंड इसको बताया जाता है, और फिर ये 10 बंदों से मिलेगा, फिर उनको मिल के उनके नाम पहचान लेगा क्योंकि लिस्ट बता रखी है। जब ये सारा कुछ बता देगा, उसके बाद जाके भी अगला 10 बंदों का जो था इससे मिलता है। तो इस पैटर्न पे काम कर रहा है ये, कोई एक मुँह सिर्फ कुछ तो समझ में आए, चलो अभी ये कोई है। अब मोटे तौर पे क्या है कि अब आप कई चीज़ों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है, जो हालात अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। देखो क्या है कि गुजरात में भी इलेक्शन है, हिमाचल में भी इलेक्शन है, और आने वाले टाइम में 2024 में भी इलेक्शन। वोटरों को पोलराइज करना है, मतलब मैं मुझे लगे कि मैं खतरे में हूँ, या डेरे की संगत के बतौर भी मैं खतरे में हूँ, पुलिस मेरे को कभी भी मेरे पे केस डाल सकती है, मतलब आप एक आम संगत की तरह सोच के देखें। भी ज़बरदस्ती आप पे कोई केस डाल दे, ज़बरदस्ती आपको पकड़ के ले जाए, तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसा पॉलिटिशियन ढूंढोगे संरक्षण के लिए, जो खुद दबंग हो, जो दबा सकता हो। तो क्या है कि ऐसी स्टेज में जब दंगे करवाए जाते हैं, उसका यही एक मकसद होता है कि आपको अलग अलग समुदाय अलग अलग बन जाएं, और वो अपने डर महसूस करें कि हम फंस जाएंगे। मान लो सपोज अभी आपको लगे हिंदू खतरे में है, जैसे यूपी वाला हिंदू को खतरे में बताता आ रहा है भी हिंदू खतरे में है, जैसे ही उसने आपको लगा भी हिंदू वाकई खतरे में है, तो आप किस लीडर को वोट करना पसंद करोगे जो हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर आपसे वोट मांग रहा है? ये एक मतलब कॉमन सेंस है। एक होता है डेवलपमेंट के बेस पे मांग रहा है, एक आपके उसके पास पॉलिसीज हैं बढ़िया उसके बेस पे वोट मांग रहा है, एक आपको सीधा धर्म के मुद्दे पे हिंदू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसके चक्कर में वोट मांग रहा है। तो ये पैटर्न होता है। अभी क्या है कि हालात कुछ ऐसे ही हैं, गुजरात के अंदर थोड़ा रूलिंग पार्टी को लेके कमज़ोर हो गया, इधर से शिवसेना का बंदा मार दिया जाता है, फिर हिंदुओं पे हमला होगा तो उसका रिफ्लेक्शन एक्सपेक्टेड है भी। गुजरात के अंदर जो सिस्टम पोलराइज किया जा सकता है भी, हिंदू इनसिक्योरिटी आएगी तो भैया हिंदू हिंदू बेस्ड पार्टी हमें चाहिए। तो ये एक राजनीति में उतार चढ़ाव तब तक है जब तक आप कुछ बनोगे। आप अपने आप को ना जी हम तो हमारा डेरा ये वो, भक्त तो सारे समाज के लिए एक जैसा होता है, उसको उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका उसका जो इंटेंशन है वो सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है, और ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में इंसानियत का हर एक अच्छा काम वो करता है। ये कॉमन भक्त का एजेंडा होता है। पिताजी कहते हैं ना भाई, अगर कुछ बनोगे तो फिर मरोगे भी। तो अभी क्या है जी, हम तो यूपी वाले के चेले बनेंगे, हम तो भैया ये उल्टे सीधे काम करेंगे, अगर कुछ बनोगे तो फिर उसमें क्या है कि कल को डैमेज होना ही होना है, क्योंकि आप उसमें खुद की जब कोई हस्ती बना रहे हो तो आप खुद एक पोलराइज, एक आइसोलेट हो रहे हो कम्युनिटी के बीच में भी। ये हमारी अलग कम्युनिटी है जी, हमारी इंसा कम्युनिटी है, ये हमारा इंसा इंसा वाला हमारा परिवार है, बाकी है ही नहीं। तो ये अपने आप को आइसोलेट करना है सोसाइटी से, और यही चीज़ एक राजनीति का असूल है, डिवाइड एंड रूल। जब आप इनसिक्योर हो गए तब आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, और आइसोलेट करोगे और उसमें फंसोगे। तो यही प्लान है। अब उसमें यूपी वाला ये बेस बना रहा है, कल को आप पंजाब में खास तौर पे जो लोग हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए भी किस तरह से ये बैकफायर करेगी। इसमें क्या कि मान लो 15 तारीख के बाद अचानक से एक ग्रुप खड़ा हो जाए जी, बरगाड़ी बेअदबी वाले में हमने सरकार को मतलब डेफिनेटिव टाइम दिया था कि भैया इस टाइम तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं पाई, तो ऐसे में अब हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, तो उनका गुस्सा किस पे निकलेगा? सुनारिया जाके तो वो गुस्सा निकालेंगे नहीं, तो वो गुस्सा कहाँ जाके निकालेंगे? वो एक ना एक डेरे की ब्रांच पकड़ेंगे। जब वो डेरे की एक ना एक ब्रांच पकड़ेंगे तो आप जैसे लोग क्या करेंगे, या तो ब्रांच छुड़वाने के लिए बराबर लड़ेंगे या फिर पुलिस की मदद लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार पुलिस भेज दे किसी भी डेरे में, खास तौर पे पंजाब में, तो सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार दोराहे पे खड़ी है भी। अगर तो वो इस बात पे एक्शन लेती है भाई तुमने डेरा क्यों कब्जाया, डेरे पे क्यों हमला कराया, डेरे को क्यों घेरा, तो भी वो कहेंगे भाई सरकार ने कौन सा हमारी डिमांड पूरी की, हमारे से टाइम मांग मांग के इतनी बार मांग लिया, उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमने तो अल्टीमेटम दिया था। और अगर सरकार साथ नहीं देती, पुलिस गवर्नमेंट नहीं देती, तो क्या होगा? तो आपका डेरा छोड़ दोगे। तो ये
दोनों ही चीज़ें, दोनों ही केस में आपका तो नुकसान ही नुकसान है, सरकार का भी नुकसान नुकसान है, तो फ़ायदा किसका, फ़ायदा किसका है? फ़ायदा हमेशा बड़े प्लेयर का होता है जो ये सब चीज़ें प्लान कर रहा है। तो आप कहाँ खड़े हैं? आप एक टूल हैं, यूपी वाला बाबा आपको टूल बना के इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यूपी वाला बाबा भी एक टूल ही है, हनीप्रीत है और उसका साथी है जो राकेश जुड़वा, ये दोनों मेन है। हनीप्रीत भी चेहरा, हनीप्रीत चेहरा है, राकेश जुड़वा कह लो पीछे सीपीए रोड़ा है, इसकी टीम में इनके आ गए चरणजीत चाचा चतरा है, ऐसे पी आर नैन वगैरह, ये सब सारे आ गए। अब ये क्या है कि ये कर क्या रहे हैं भी, आप प्रैक्टिकली देखो ये कर क्या रहे हैं। ये टूल हैं सारे के सारे, खेल रहे हैं, सबको टूल बनाया हुआ है। अल्टीमेटली आपको लड़ाना है, इनसिक्योरिटी जनरेट करनी है, जिसमें आपको लगे हुए डेरे मैनेजमेंट के वजह के अलावा हमारा कोई हल ही नहीं है। आपकी अपनी हस्ती है ही क्यों भी, हम डेरे वाले हैं, हमारा हम अलग हैं सिखों से, हम हिंदुओं से अलग हैं, हम मुसलमानों से अलग हैं, हम अपनी हस्ती क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं? क्रिएट की नहीं जा रही, आपको उसका एहसास कराया जा रहा है, जिससे आपको आइसोलेट किया जा सके, पोलराइज किया जा सके इलेक्शन के फेवर में। वोट उसी हिसाब से मिलेगा ना जब आप पोलराइज हो जाओगे। तो वही है, मान लो कल को क्या है, इधर से आपको डराए जी सिख हमला कर देंगे, बोलो क्या करोगे? ठीक है जी, हम तो हिंदू बंदे हैं, हम एक काम करेंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे। हो गया पोलराइज, बस पता लगा दोनों तरफ से एक ही प्लेयर खेल रहा है, डराने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही। तो यही राजनीति है ना, सही और गलत के बीच में कुछ है तो उसे राजनीति कहते हैं। ये सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है, इस सब के बीच में राजनीति चलती है। गलत कभी पहुंच नहीं पाते, ना कभी सही पे पहुंचेंगे, सब बीच में उलझन है। ये चीज़ ही आपको समझनी है असल में, भी आप खड़े कहाँ और क्या करेंगे। अल्टीमेटली क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, वो एक विचारधारा पे टिकी होती है। और उस विचारधारा मतलब क्या है कि आप किसी को भी लीडर चुनोगे तो ऑब्वियसली है वो, उसके पास कोई विज़न होगा। अब या तो उसके पास विज़न है, वो विज़न आपको पसंद आ रहा है, भी दूरदर्शी कहाँ तक देख रहा है, तो विज़न आपको पसंद आ रहा है। दूसरा भी उसके पास मुद्दा है, भी क्या है, वो आपकी इनसिक्योरिटी, आप धर्म के नाम पे इनसिक्योर हो तो आपकी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठा रहा है, भी विज़न है इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठा रहा है, या फिर उसने कुछ ऐसा करके दिखाया जो आपको लगे भी अरे जेन्युइन है, ये कल को कर सकता है, तो वो ना विज़न दे रहा है ना आपको कुछ दे रहा है, लेकिन कर सकता है क्योंकि आपने उसका पुराना रिजल्ट देखा है। तो यही पैटर्न है देश के अंदर पॉलिटिशियन चुनने का। आप कौन से पैटर्न में? चौथा पैटर्न पैसे वाला भी है, पैसे दे के ये चीज़ें। पहले ये चीज़ें स्वाभाविक होती थी, अब ये चीज़ें मतलब आपके इमोशंस तक कैसे, किस टाइम पे क्या होगा, मनोवैज्ञानिक स्टडी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हालांकि जिस पैटर्न पे यूपी वाला बाबा काम कर रहा है, उसी पैटर्न की आइडियोलॉजी मेरे को किसी ने सिखाई थी आज से 7 साल पहले डेरे के अंदर ही, भी ये आइडियोलॉजी है पिताजी की, असल में पिताजी का ये रूप है और ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये है वो है, ठीक उसी पैटर्न, वही पैटर्न आज इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस टाइम मेरे को पिताजी में वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखता था, और मेरी हमेशा बहस होती उन लोगों से भी, तुम गलत सोचते हो तो। लेकिन अब क्या है, यूपी वाले के आने से, अगर आपको नहीं ध्यान है तो आपको याद करो, बहुत सारे इसमें आईटी विंग में, सेवा समिति वालों में, सब में ये मैसेज जाना शुरू कर दिया था कि पिताजी एक वीडियो निकालेंगे जिससे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट बंद हो जाएगा। तो उन्होंने तो पहले छोटा वीडियो प्लान किया हुआ, करते करते वो बड़ा, इतना सब कुछ हो गया। तो खैर फोकस वहीं रखिएगा, पोलराइज नहीं होना है, प्रोवोक नहीं होना है, आप अपने आप को सोसाइटी में मर्ज रखें, अपने आप को अलग दिखाओगे तो फिर कहना कि वो पिताजी कहावत सुनाया करते भी, जो ज़्यादा मैं करता है बकरा, किसाई किसाई सबसे कसाई जो होता है वो सबसे पहले ज़्यादा मैं करने वाले बकरे को ही काटता है, क्योंकि वो शोर ज़्यादा मचा रहा होता है। तो वही चीज़ है भाई, जब आप ज़्यादा अपने आपकी आइडेंटिटी, जितनी आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिफाई कराओगे, खुद को रिकॉग्निशन पाने की रेस में दौड़ोगे, उतना आप उस चीज़ के मतलब शिकार बनने के नज़दीक जा रहे हो। अगर राजनीति नहीं पता तो समझ लो किसी से, ये मत सोचो भी कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। जब सरकार इतना कुछ कर सकती है, पंचकुला करवा सकती है, उसके बाद इतना कुछ एडम ब्लॉक को पैसा लूटने की खुली छूट दे सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। तो आपको हर चीज़ को पहले से समझ के चलना पड़ेगा भी, हाँ जी इस दिशा से बाहर हमें नहीं जा सकते, भी ये इसी डायरेक्शन में काम हो रहा है।
तो यही चीज़ मैं आपको हम आपको कोशिश करते हैं भी बार बार समझाने की भी, कल को जब हो जाएगा उसके बाद आपके पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी आज आपको लगे नहीं जी कोई नहीं, जब होगा तब क्या, तब देख लेंगे, तब आपके पास रोने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा। आप कहाँ जाके किसको बोलेंगे, सुनवाई कौन करेगा आपकी, आपको किसको कहोगे जाके भी हमारे साथ धोखा हो गया, और क्या कहोगे भी ऐसे धोखा हुआ भी हमें पता था लेकिन फिर भी हमारे साथ धोखा होता चला गया। मतलब कोई आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहो, और यही बार बार हम इस पे इंटेंशन दे रहे हैं भी, जोर दे रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दो भी। यूपी वाला जो दिशाहीन जानबूझ के आपको एक प्रॉपर नैरेटिव सेट कर रहा है, उस नैरेटिव को समझो। ये संतों के काम नहीं है, संत का और इसका बंदे का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। चलो एक कमज़ोर निगाह वाले बंदे को कोई भी गधे और घोड़े में फ़र्क बता दे और वो ना कर पाए, उसको लगे भी चार टांगे हैं, अभी गधा थोड़ा छोटा घोड़ा बड़ा, वो ना कर पाए 1% भेद है। लेकिन अगर अब आपको बोला जाए भी एक चींटी में और एक हाथी में भेद कर दो और फिर भी आप कर ना पाओ, तो फिर तो अजीब है, फिर तो निगाह ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो वही चीज़ है भी, ये चींटी बराबर भी नहीं है और कंपेयर हाथी से करना चाह रहा है। इसी तरह अगर आपको कोई कहे, नगर का पार्षद है कोई, आपके इलाके का कोई पंचायत समिति का या पंच सरपंच है, और एक तरफ प्रधानमंत्री है, दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती आपस में, गांव के स्तर का कोई प्रतिनिधि हो और देश के स्तर का प्रतिनिधि हो, उसकी कोई तुलना नहीं है। इसी तरह इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते आप पिताजी से भी, इसमें ये सही है गलत, गलत तो गलत, सब कुछ ही गलत है और दिखाई देता है इसका तो, एविडेंट होता है। लेकिन क्या है कि कोशिश कर रहे हैं लोग यकीन करने की, क्योंकि इसलिए कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है भी अब जवाब किसको दें, उनको लगता है भी कि सच में कल को असली निकल आया तो क्या करेंगे। इसका मतलब अपने गुरु को कभी जान ही नहीं पाए ना भी, गुरु है क्या, कितना सच्चा है, क्या उसकी महानता के क्राइटेरिया हैं, क्यों लोग उसे महान कह देते हैं, ऐसा क्या है उस खास जो हमें समझ नहीं आता, जो मतलब दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हमें खींच के रखता है। वो जब आप वो चीज़ें देखना नहीं ना चाहते तो फिर कहीं मर्जी भाग लीजिए, कहीं मर्जी, कुछ कहीं से हासिल होने वाला नहीं है। तो खैर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बहन वीरपाल कौर है, तो हम उनसे आगे बातचीत करते हैं। सतगुरु तेरा आशीर्वाद। हाँ जी बहन जी, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी, प्यारी प्यारी सा संगत जी, धन धन सतगुरु तेरी आसरा। गुरु प्यारी सा संगत जी, पिछले लंबे समय तो फेथ वर्क सजवाड़े की टीम जरा कुछ तुम सारा कुछ दस रही है, लगातार सारी जानकारी दिखी जा रही है कि आन वाले समय दे विच किस तरह जेडे हालात बन गए, ते ओदा आपां देख ही रहे हैं अज पंजाब दे विच जो कुछ होया, ते ए तां अज शुरुआत है, ये शुरुआत है पंजाब दे विच जेड़ा जिवें मोहित बेटे ने थोनों हुणे दस्या, ये जेड़ा यूपी वाला नकली बाहर लेके आना ये कोई अचानक घटना नहीं है, एक प्लान दा हिस्सा है, एक प्लान दे हिस्से दे विच ए अपना रोल प्ले कर रहा है। गल तां इहनूं कोई नहीं आउंदी, रूहानियत इस बंदे नूं 0% भी नहीं आउंदी, 0 तां छड्डो, -% भी इहनूं रूहानियत दा ज्ञान नहीं है। चैलेंज है साडा ये भी जे इहनूं रूहानियत दा -% भी ज्ञान होवे, कोई ज्ञान नहीं इहनूं रूहानियत दा, सिर्फ इहनूं जिन्ना क सुबह पाठ पढ़ा दित्ता जांदा है ਉਨਾ ਕ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ,
ਦੇਖੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਾਲਚੀ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਜਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ 38-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖੁਲਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾਓ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ 15 ਮੈਂਬਰ 25 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਭੰਗੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ 22 ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵਰਾਂਗਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪਾਪੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਚਰਨ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ? 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਨਾ ਸੱਚ ਕਹੂ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪਿਤਾਈ 70-70 ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਘਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾਵਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਬਕਵਾਸ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੂੜੀ ਦੀ ਹੱਕ ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਹ ਡਾਬਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਸਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਣ ਸਹੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਆ ਡੱਬਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ ਰੂਹ ਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂੜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਸਾਇਦਾ ਕਰੀਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੱਢ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ਼ਰਮੋ ਬਸ਼ਰਮੋ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਇਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਾ ਨਰਕ ਨਾ ਸਵਰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਸਾਇਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਐਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲੀ ਨੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨੀ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਲੈ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡੋਲੀ ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਭੱਜੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਬਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਧੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੀ ਜੁਦਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਨੀ ਇਹ ਭੱਜੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭੱਜੇ ਰਹੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਕਰਨਾ
ਔਖਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਪਠਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਐ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਵੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਤੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਮਿਤੀ, ਇਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਵੋ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗਦਰ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੋਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ਼ੇਵਾ ਕਰਿਆ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਨਸ਼ਾ? ਐ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੀ? ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਯੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਲੋਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਲੋਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੀ ਜੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਟਵਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲੀ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਭਾਈਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੀਰੋ ਨੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵਸਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਮਾਰਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਨੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅਮਲੀ ਹੈ ਰਹਿ ਨੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵੈਲੀ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੀੜੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੀੜੀ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੀੜੀ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੀੜੀ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੜਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾ ਤੇ ਕੰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਇਸ ਨਕਲੀ ਦੇ, ਨਾ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਦੂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਚਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਜਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਥੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜਨਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਚੀ ਜਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜੋ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਕੂੜਾ ਚ ਪੀਸੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਪੜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਰੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
थोड़ी रूढ़ी ने नहीं थानू बचाना, तो क्या होगा जब धोरे न लगोगे। गुरु पिता जी ने एवं नहीं क्या भी सारी दुनिया एक पासे वचन सुन लो ध्यान न, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे, जब ऐसा होगा ऐसा करोगे ता, जब ऐसा होगा वचन सुन लो ध्यान न, कहते ओदे वास्ते ना नर्क ना स्वर्ग, ओदे वास्ते सचखंड दा नजारा है। तो जे तुसी रूढ़ी ने लग के बह गए ना, हजे आने वाला समा देख पाए, हजे अज शुरुआत हुई है, तुम पता ना अज अमृतसर की कुछ हो रहा है। ये जी गड्डी के फोटो फड़िया गई, वह बार बार कहे भी डेरे मुखी राम रहीम जी भी फोटो थी, उसे जेडे बंदे ने मारे है, पता नहीं अजे की प्लानिंग किधर चल रही है। क्योंकि पिछली बार ये जुटी वाले नकली का यह कहना कि कुर्बानियां तो देनिया पैनिया, कुर्बानियां तो देनिया ही पैनिया है, देखांगे कौन कौन कुर्बानी करूंगा। आप तो बैठा जुटी लोगों पे हरकत करते पी सी नाम डेरे लख 13,000 नाम शब्द जो 2006-07 के बठिंडे लिया ने उदो का डिकलेयर करा ना डेरा, उदो ना किसी ने डेरा मंगया 50-60 हजार नाम वाले जीव 2005-06-07 जड़िया लगातार सत्संगा पंजाब च हुई सारे थावा से होया कि हरियाणा के भी इन्ने इन्ने जीव होंगे रहे नाम वाले, उदो तक किसी ने डेरा मंगया नहीं। बाकी इन्होंने जी असलियत डेरा बनाने का कारण वह भी गुरु तेग शाह संघ जी सामने आ गई, हरचार में खुद कह रहा जो तो पत्रकार ने पूछा ना भी डेरे से नाम चर्चा घर थोड़े की फर्क है, भी पटियाले का तुम नाम चर्चा घर का बोर्ड ला के डेरे का लाता, तो उठे हरचार ने जवाब दे रहा क्या नाम चर्चा घर होंगे साधा लोकल कमेटी के अंडर होंगे, जरा डेरा इस सीधा साढ़े भी डेरे के अंडर हो जाएगा सारा कुछ। हनीप्रीत जेडे नाम चर्चा घर भी है इनडायरैक्टली आपके अंडर कर रही है मूर्खो, जनाए तो सारे जिम्मेवार ने ब्लाका की संगत ने पैसा कट्ठा करके, ब्लाक की जिस ब्लाक का नाम चर्चा घर है उस ब्लाक की संगत ने कट्ठी करके पैसा जमीन ली हुई है, तो हम ये जाति के अधीन है हनीप्रीत दे हो रहा सारा कुछ, थोड़े हाथों तो सारा कुछ जा रहा हौली हौली। हालात की बन गया तुसी तो आप कहोगे भी नहीं अस प्रेमी है हाथ बनोगे, क्योंकि साड़ी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम तो गुरु प्यारी ने की हुई है अलग न्यारे किए हुए है, अच्छा जज के कहने भी साडा गुरु है ही नहीं, कोई मर्जी ज्ञान देवी जो अभी कहने सा गुरु है ही नहीं, जेडे मानते हैं ना इन हाथ जोड़ जोड़ के प्रशंसा करते हैं, तो सुना टाइम के दे हालात देखो बनते की उन्होंने घर के की हालात बन गए, अच्छा शरे हम कहने साढ़े गुरु ना धोखा होया बोलो ना फिर हूं 45 मैंबर क्यों नहीं बोलते भाई गुरु ना धोखा होया साढ़े न, पर यूपी वाला क्यों नहीं बोलता जो गुरु पिता जी सीधा कहते थे जो भी अस जो नशे छुड़ाने हैं जेडे नशे के व्यापारी है वह सू 90 तो लेके धमकियां दे रहे हैं, पर अभी नहीं छड़े काम सू 90 तो धमकियां आ रही थी, तो फिर यूपी वाले क्यों नहीं आदि रोज नशा नशा कर दी, कहते राजनीतिक ड्रामा है जो अभी बाहर जन्ने लोग सू दसते हैं गुरु जी थोड़े ना राजनीतिक ड्रामा हो रहा है, तो केस में कुछ भी नहीं तो क्यों नहीं दसता यूपी वाला राजनीतिक ड्रामा हो रहा, गुरु पिता यह भी कहते किस पार्टी का है तो किस पार्टी का नहीं की दसीए, कहते यूपी वाला क्यों नहीं जवाब खोलता भी ये ड्रामा जो सा 25 अगस्त 2017 को खेडा गया वह कि पार्टी का सी दसे ना, फिर जिदे साडा गुरु होया ना जिदे साडा गुरु है दसूगा लोगों दसूगा वो जेड़ा सतगुर डाबा जी जो होया ना गुरु प्यारी साहब संघ जी ने आप बैठे थी उस गुरु पिता का चेहरा देखने वाला से इन्ना दुख से गुरु पिता के चेहरे से इन्ना दुख से मैं डाबा जी एक भी जानी नुकसान नहीं होया सिर्फ माली नुकसान सी, तो पिता जी ने उदे ही यह अरदास बनाई हे मालिक तुझे लाज है, उदे ही पिता ने खुद नारा लाया संगत तो नारा लगवाया
समान तेरा तू समान ले जा कहते इसे करके काल ने समान का नुकसान किया। फिर गुरु पिता ने यह भी कहा कहते जिन्हां ने साजिशा कीतियां डबाली कांड से गुरु पिता के वचन है कहते भी जिन्हां ने भी साजिशा कीतियां साडे बच्चों से कहता इन्ना नुकसान किया साडे बच्चों का कहते जिन्हां ने साजिशा के नाल कीतियां सजा मिलना नहीं जिन्हां ने नाल नाल कहते हिस्सेदारी जा साजिश दे विच सोची भी नाल साजिश कराउंदे कहते ओ भी कदे खुश नहीं रहणगे गुरु पिता ने वचन करे सी ओ भी सारी उम्र जिहड़े जिन्हां दा भी इस साजिश दे विच हाथ है जां थोड़ा जिहा ज्यादा ओ भी सारी उम्र खुश नहीं रहणगे जिन्हां ने अज साडे बच्चों नूं रवाया ते गुरु पिता ने इन्ने दुखी हो के वचन कीते सी उदों केसा वाले पासों से पंचकूला कांड नू लैके तो गूंगा पैरा ही होना घटो घट चल कहते होंगे भी आप जो जो समा हो जा ओला जो जा वाह कहते हो जा ओला कर ले घटो घट तू बहार आके इन्ना ही कहते भाई भी जो हाथी मेरी संगत मारी गई तो उसे कमीशन बैठना चाहिए एक वाले तो कमीशन बैठा होगी गल का कर पता ही आप भी कमीशन भी लंबे पै जाते एक कुछ तो उस संगत न एहसास करवा ना मेरी संगत ना एडा धोखा हो तू रूप साडे गुरु का धारण करके बह गया ते एडे बेशर्म महाबेशर्म वो लोग है जेडे मतलब के खड़े हो के सिर्फ माइक ही उन्होंने लोगों को दिता जाता आ जेडे रूढ़ी की प्रशंसा करते दूजे को दिता ही नहीं जाता कमाल होगी ते सारिया प्यारी साध संगत जी काल महाकाल है जेड़ा ये आपके खात्मे वाल वध रहा ते नाल संगत नूं भी लपेट च लै रहा है संगत नूं भी लपेट च लै रहा जिहड़ा गुरु पिता ने जिहड़ा इन्ने नरकां दे कुंड साडे खाली करते सी ना 5-6 करोड़ नूं नाम शब्द दे के ओह दुबारा ओह फिर भरन जा रहा है क्योंकि जो जिस हिसाब के लक्षण चल रहे हैं संगत दे संगत वास्ते संगत कोले हजे भी समय है हजे भी समय अपने असली गुरु पिता जी नूं समझे अपने असली गुरु पिता जी दी असलियत नूं परखे देखे कि मेरा असली सतगुर किहो जिहा हुण तुसीं इस बंदे की मूर्खता देखो कहिंदा जे सिमरन की गल करदा कहिंदा थोनू जे मेरे ते विश्वास नहीं तां सानू भी कहना थोड़े से विश्वास नहीं कहना कि जो गल मैं कह रहा घंटा सुबह घंटा शाम सिमरन करो फिर कहना मैं दो बंदे असि दो बंदे लावांगे कमाल की गल दो बंदे लावांगे भी वह देखे भी तुम घंटा सिमरन कर दिया कि नहीं तो फिर देखो तुम रिजल्ट मिलता कि नहीं और मर जा शर्म ना डब के गुरु नु यह गल बोलन की लड़ पी होंगी गुरु कि बंदा लो जरा कुल मालिक है गुरु का कुल मालिक है उन बंदे ला की लड़ है तू मन ला किसी घंटा सिमरन से बिठा के दो बंदे ला दी वह बंदे देखी जाते भी हाँ सिमरन से बैठा तो विच भला भी वो अंदर दिमाग से गंदगी चली जाती हो दिमाग में पढ़ लैन गए तेरे दो बंदे का कोले बिठाएगा पहले इस गल का जवाब तो दे मूर्खा चल मनिया दो बंदे बिठा रही पहली गल तो पॉसिबिलिटी नहीं तू किए को दिमाग के बिठावेगा साधा सतपुरता सीधा कहना फिर घंटा सुबह घंटा शाम सिमरन करो उस तो बाद थोनू खुश ना ना मिलना थोड़ा कोई दुख जरा थोड़ा कोई कोई भी बीमारी ना कट्टी जाए चल असं सरसर की शक लाने गुरु ग्राम के सत्संग का पिताई का पिया उ पिताई ने स्टेज से बैठ के शरेआमा ही कहा कि कोई कहते कह दे भी मैं घंटा सुबह से घंटा शाम सिमरन करना तो मैं फिर भी कोई दुख तकलीफ है कहें असं आपका शीश कटवा लाँगे पिताई ने यह नहीं कहा कि असं बंदे लावे पहला आपके दो देखा जिहड़ा सिमरन हुंदा है भगती हुंदी है इह कल्ली बैठण नाल थोड़ी हुंदी है इह बैठण दा कम्म तां खंड सिमरन नाले भी आ बथेरे 70-70 घंटे करी जांदे आ कोई 70 घंटे लखाउंदा कोई 100 घंटे लखाउंदा बंदगी तां दिमाग नाल होनी है उह तां अगे मतलब आत्मा ने करनी उहदे दिमाग दे विच आऊगी तां तां ही है इह तां भगती की है भगती है थोड़ी है कोई जिहड़े दो बंदे पहरे ते खड़े हो देख लैणगे वी हाँ इह सही भगती कर रहा है कि नहीं गुरु नानक देव जी ने की किहा सी वो जिहड़ा काजी सी गुरु नानक देव जी ने क्यों नहीं कि नमाज पढ़ी थी यही तो उदाहरण दिखती से उन्होंने वो कहते मैं काजी पा ही नहीं रहा कोई आपके घोड़ियां वेच रहा कहना कोई खेतों च कर दे
गुरु प्यारी साहब संघ जी अज तक किसी संत ने उस दिन गलां कीतियां गलां पिंड छोटे छोटे संत रहिंदे ओह भी नहीं करदे इन्नियां घटिया गलां तां सतगुर साडा अंदर बैठा है साडा सतगुर वो है वो नहीं है भी जिन्हों बंदे लाने पैणगे देखण वास्ते भी कुछ मन करदा कि नहीं साडा सतगुर वो है जिन्हों साडे सोचण तो पहला पता है गुरु पिता ने जो वचन कर रहे चलो घंटा नहीं अद्धा घंटे 15 मिनट भी जे तुसी मतलब सिर्फ सिर्फ उदो सतगुर दा ही ध्यान कर लो तो कई घंटिया के सिमरन तो वध के फल है इहदा मतलब वो साडे अंदर बैठा सानू वॉच कर रहे गुरु की रूहानी पावर जीरो करी जाना गुरु प्यारी साहब संघ जी ते महामूर्खा के टोलिया ने तो जो कुछ करना सी करता मेरी हाथ जोड़ के बेनती है गुरु पिता जी का जेड़ा ये वचन है ना थले बन के दिमाग च बिठा लो भी सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे सतगुर बिलकुल कला है कोई नहीं ओदे नाल बिलकुल कला सतगुर चाहे जिन्ना मर्जी कोई होवे अति प्यारा कुछ भी है चाहे ओदा जो साडे शब्द दे विच लिखा ते गुरु पिताई दे वचन है शब्द तो अलावा गुरु पिता ने व्याख्या ही अभी इस चीज की आई की है बेचक मतलब के तुसी देख लो पिताई दी वीडियो पई है आई आई व्याख्या है कि सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे जब तक साडे दिमाग दे विच ए चीज नहीं बैठू असी सतगुर दी जगह किसी का सोच भी नहीं सकते बस यही सोचना दुनिया दे विच सारा कुछ ही आऊ आ रूही भी दुनिया च ही आऊगी सारे दुनिया च ही आउणगे क्योंकि सतगुर तो कला है असी सिर्फ के सिर्फ भगती करनी है जुड़ के रहना जेड़ा विश्वास रखना ते आपदे सतगुर ते वो बिलकुल कला है इको ही आ जो साडे दिमाग दे विच जिन्ना चिर ये चीज नहीं बैठूगी उन्ना चिर असी रूहानियां च कामयाब नहीं होवांगे मैं गुरु पिता के वचन दोबारा नाल फिर दोहरा दिंदी है एक मिनट की अद्धे मिनट की वीडियो भी है वह भी आपां पेज से पा देंगे उत्थे भी बेशक सुन लो भी सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे जब ऐसा होगा मतलब थोनू करना पऊ जो ये करोगे ता जब ऐसा होगा उनके जीवन में ना नरक ना स्वर्ग कुछ नहीं होगा बस सचखंड का नजारा होगा अगर तुसी सचखंड के नजारे देखने हैं तो सिर्फ ये लैना नू थोनू दिमाग च बिठाना पऊ सिर्फ दिमाग च नहीं बिठाना पऊ तो फिर मनना भी पऊ तो जे मनोगे तो फिर आ किसी रूढ़ी की प्रशंसा नहीं करोगे प्रशंसा करोगे तो आप सतगुर की करोगे हक च खड़ोगे तो आप सतगुर के खड़ोगे दुनिया को दसोगे तो आप सतगुर बारे दसोगे दुनिया को दसोगे तो यह दसोगे साडे गुरु नाल धोखा होया साडा गुरु सच्चा है साडा सतगुर कुल मालक है साडा सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर है वड्याई करोगे तो आप सतगुर की करोगे अमल भी करना पो इन गलों की इन सिर्फ लाइना दिमाग च बिठा लिया तो असी विचार ना करिए अमल ना करिए विचार भी करना पो तो अमल भी करना पो फिर सचखंड के नजारे है बाकी ताकि मर्जी है फिर वर्ष वर्डिक की टीम इसे गलों इसे गुरु पिताई के वचना से खड़ी है सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे असी ताजे आन बान ते शान उच्ची करनी है तो अपने सतगुर की करनी है निर्दोष साबित करना तो अपने सतगुर नू करना है दर्शन करने तो सिर्फ आपे सतगुर की करनी है बाकी जी सा संगत है हाथ जोड़ के बेनती है अजे भी समय है अजे भी समय है दुले रंग कुछ नहीं बिगड़िया मगरों कुछ भी हाथ नहीं होना तो बाकी मर्जी थोड़ी है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तो उम्मीद करते हैं प्रार्थना करते हैं हजूर महाराज के चरणों में आप सब मिलके प्रार्थना कीजिए भी सच्चाई जल्दी सामने आए और प्रार्थना करते हुए हजूर महाराज के चरणों में नारा लगाना है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आखिरी में अरदास बोलेंगे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया तू दया में रहमत कर तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे
किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आस।